हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमारे बहुत ही बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो हमको इस क्वेश्चन को, इन टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फटे दूध या खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, दही और फटे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा इमली। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और साथ में देखें कच्चे अंगूर में, तो कच्चे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे अंगूर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि इमली और कच्चे अंगूर में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा नींबू। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा, मौसमी और कच्चे आम, यहाँ पर क्या लिखा? मौसमी। तो मौसमी कहलाती है हमारे क्या? मौसमी। और कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है नींबू, संतरा, मौसमी और कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और घास, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा नौवां क्वेश्चन, पालक। तो पालक में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में हमारा ऑक्जिलिक अम्ल पाया जाता है। और इसके साथ देखें टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में भी ऑक्जिलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जिलिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्यारहवां। तो ग्यारहवां है सेब। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल पाया जाता है। और जो मानव मूत्र होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला है हमारा तेरहवां क्वेश्चन, मानव पेट। तो मानव पेट या अमाशय में, तो मानव पेट अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और गेहूँ, गेहूँ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूँ में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा पंद्रवा क्वेश्चन। तो पंद्रवा क्वेश्चन क्या है? चींटी का डंक। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और साथ में देखें बिच्छू के डंक। तो बिच्छू के डंक में भी क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। तो ध्यान रखना है चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं, पेप्सी वगैरह, सोडा वाटर वगैरह, तो कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। जो आंसू होते हैं हमारे, मानव के आंसू जो गिरते हैं, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक अम्ल पाया जाता है। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां। तो 19वां है हमारा प्याज। तो प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एलिसिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एलिसिन अम्ल पाया जाता है। और लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी हमारा एलिसिन अम्ल पाया जाता है। तो प्याज और लहसुन में ध्यान रखना है आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है? एलिसिन अम्ल पाया जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, एक क्वेश्चन है हमारा 21 और 22वां। तो आंवला, तो आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और जो हम चाय पीते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।